Kalahan! Jindabad! Hindi tayong panasay! Naijeki! Naijeki! Hindi tayong panasay! Naijeki! Naijeki! Kalahan! खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है हम कल्याण के गोविंदबाड़ी में, जहां केडीएमसी मैदान में देख सकते हैं आपकी जो है यहां पर महिलाओं का प्रोटेस्ट हो रहा है। ये प्रोटेस्ट जो यहां पर महिलाएं कर रही हैं, ये CAA के खिलाफ जो है यहां पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। एक बात बता दें आपको कि जिस तरह से BJP सरकार का नारा था कि सबका साथ सबका विकास, मगर अब जिस तरह से सबका साथ सबका विकास जो है पूरी तरह से फेल होता नज़र आ रहा है, क्योंकि अब भारत में धर्म के आधार पर जिस तरह से कानून बनाया जा रहा है उसको लेकर जो है हिंदुस्तान की जो तमाम महिलाएं हैं वो जो है विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। आपको बता दें कि कोई ये मुस्लिम समुदाय की बात नहीं है, सिर्फ मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएं हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, बल्कि जो यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है आपको सभी धर्म के लोग जो है यहाँ पर मिलेंगे जो विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रही हैं। आपको बताइए कल्याण का जो है गोविंदबाड़ी इलाका है, जहाँ पर दिल्ली के तर्ज पर जो शाहीन बाग दिल्ली का है उसके तर्ज पर जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू किया गया है, और यहाँ पर जो महिलाएं रात दिन 24 घंटा इसी तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में जो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो रहा है उसको हटाने के लिए जो है अब हिंदू संगठन द्वारा जो है वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि किसी तरह से जो है शाहीन बाग को हटा दिया जाए, लेकिन किस शाहीन बाग की तर्ज पर अब पूरे भारत में जो है शाहीन बाग बन रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे बात करते हैं किस तरह जिस तरह से शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसी तरह से अब कल्याण में जो है इस तरह का प्रोटेस्ट यहाँ पर शुरू किया गया है। कितना दिन हो गया इस प्रोटेस्ट को यहाँ पर शुरू किए? देखिए ये हमारा 13 डे है, आज जो है हमारा 13 डे है और हम लोग यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर रहे हैं हम लोग जो है पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ CAA का गवर्नमेंट ने लाया है उसके खिलाफ हम लोग ये काम कर रहे हैं, क्योंकि वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो लॉ डिस्क्रिमिनेटरी है, वो हमारे संविधान के खिलाफ है। तो हम लोग जो है यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज हमारा 13 डे है और आज जो है हम लोगों को बिना बताए यहाँ से जो है हमारे लाइट का मीटर निकाल के लेकर गए, और जो है हमारे जो भी वॉलेंटियर्स हैं उनको भी पता नहीं था, हम लोगों को भी पता नहीं था, हम लोग तो अपने अंदर प्रोटेस्ट में बिजी थे और ये लोग बाहर से बिना बताए लेकर गए। ये गलत काम जो हो रहा है तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम किसी को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम नहीं कर रहे। हम लोग यहाँ 13 दिन से बैठे हुए, हम लोग कुछ भी गलत नहीं कर रहे जो कानून के खिलाफ हो। यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करें। फिर आप लोग ऐसे क्यों, मतलब जो भी गवर्नमेंट करवा रही है ये ऐसे क्यों करवा रही है, और इससे कुछ हमारे हौसले कम नहीं होने वाले। आप देख रहे हो कि यहाँ पे कितनी पब्लिक है जो अंधेरे में बैठी हुई है। हम लोग वो लेडीज़ हैं जो कभी अकेले घर से बाहर नहीं निकलती। आज हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए यहाँ अंधेरे में बाहर आके बैठे हुए हैं। हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है और हम नहीं चाहते कि हमारा देश तबाह बर्बाद हो जाए। ये डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जो आएंगे ये हमारे देश को नुकसान पहुँचाने वाले हैं, ये हमारे संविधान के खिलाफ है। और अगर ये इस तरीके की हरकतें होती भी रही ना तो हमारे हौसले कुछ कम नहीं होने वाले। वी आर टू मच डिटरमाइंड, वी विल नॉट मूव हाफ एन इंच बैक अंटिल दिस ब्लैक लॉ, दिस डिस्क्रिमिनेटरी लॉ इज बैक। तो रिवोक CAA, वी रिजेक्ट NRC एंड वी रिजेक्ट NPR। हम लोग नहीं हटने वाले यहाँ से, आप अंधेरा कर लो, आप चाहे कुछ भी कर लो, हमारे साथ में तुरंत की सच्चाई की रोशनी है, हमको इस अंधेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अभी यहाँ पर जितना थोड़ा भी जो भी लाइट है वो लाइट ना भी रहे तो हमारे अंदर की सच्चाई की रोशनी हमारे लिए काफ़ी है, दैट इज़ इनफ फॉर अस। और हम लोग उसके साथ भी प्रोटेस्ट करते ही रहेंगे अंटिल यू रिवेक CAA। तो जिस तरह से आपने सुना कि जो यहाँ पर बिजली की जो व्यवस्था थी वो जो है काट दी गई है, आपको दिखा दें कि जो यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है महिलाएं यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं, और जिस तरह से अभी जो महिला बता रही थी कि बिजली काट दी गई है, लेकिन इसके बावजूद जो है इनका प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी रहेगा। बिजली काटने से ये किसी भी तरह से जो है इनके हौसले जो है कमज़ोर पड़ने वाले नहीं हैं। जिस तरह से CAA, NRC, NPR के खिलाफ जो महिलाएँ प्रोटेस्ट कर रही हैं ये प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी रहेगा। और भी महिलाएं हैं यहाँ हमारे साथ, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से सरकार का जो रवैया है इस कानून को लेकर, सरकार का कहना है आप कितना भी प्रोटेस्ट करें कुछ भी कर ले
लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। देखिए ये जो हमारी सरकार आई है, जब से आई है उसने हमें लाइन में खड़े करने के अलावा कुछ नहीं किया है। हाँ, नोटबंदी में हमें लाइन में खड़े किया, आपसी है NRC NPR के लिए हमें लाइन में खड़े करेगी। और भाई ये सोचने की बात है कि ये सिर्फ मुसलमानों का मैटर नहीं है, मुसलमान तो यह माइनॉरिटी में, असल मैटर ये मेजॉरिटी का है, जो हमारे दलित भाई है, पिछड़े हुए भाई है, जो आदिवासी भाई है, जो एक जगह रहते हैं दूसरी जगह कमाने के लिए जाते हैं, जो जंगलों में अपनी लाइफ ख़त्म कर देते हैं, जिनके पास अपने बच्चों की पैदाइश के सर्टिफिकेट ही नहीं है, खुद अपनी ज़मीन के पेपर नहीं है, तो पैदाइश के सर्टिफिकेट आएंगे कहाँ से। तो असल मुसलमान जो है तो निशाने, असल मुसलमान जो है तो बहाना है, निशाने पर पूरी हिंदुस्तानी कम्युनिटी है। आप देखिए जब नोटबंदी हुई तो क्या वो फौजी जो सरहद पे था उसको लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ा, क्या पुलिस वाले को लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ा, सिर्फ मुसलमान नहीं खड़े थे तो हिंदुस्तान के तमाम लोग जो है तो लाइन में खड़े हुए थे। तो इसके ये मुसलमानों को बहाना बनाकर तमाम लोगों को लाइन में खड़े करने की जो ये साजिश है, ये वापस होना चाहिए, जो तीनों काले कानून है ये वापस होना चाहिए। और यहाँ के लाइट बंद होने से हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आज बंद हो, कल बंद हो, परसों बंद हो, जब तक उनका पावर है वो बंद करते रहे। हमारे अल्लाह ताला ने हमें जो रोशनी दी है ईमान की और हमको जो इंसानियत का दर्स मिला है कि तमाम इंसान यकसा है, तो हम इस इंसानियत के लिए पूरे पावर के साथ और पूरी हिम्मत के साथ खड़े रहेंगे जब तक हमारी जान में जाने, चाहे हमारी जान चली जाए, फिर इस मामले में हमारी जान चली जाए, हम एक लम्हे के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया था वो संविधान पूरे हिंदुस्तान के लिए राइट लाइन है, जब से आज़ादी हासिल हुई आज तक उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई। ये हुकूमत 6 साल पहले आई है और ये चाहती है कि ये 50, 60 और 70 साल पुराना संविधान बदली करके इंसानों को आपस में लड़ाएंगी, तो हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, हमें बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान चाहिए और वही संविधान हमारे लिए सीधी लाइन है, करेक्ट लाइन है, आपस में इंसानों को जोड़ने का काम करती है। उसके अलावा हमें कोई और संविधान चाहिए नहीं। हुकूमत तक आप मेरी आवाज़ पहुँचाए कि जब ट्रिपल तलाक की बात थी तो ये बहनें और माएँ थी, और जब CA NRC NPR की बात आई तो औरतें हो गई, और ये कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि इतनी ज़ोर से बटन दबाओ कमल का कि करंट शाहीन बाग में लगे, तो वो हमदर्दी कहाँ गई अब हुकूमत की। यानी ये इनकी ऐसी ऐसी चालें हैं जिसके ज़रिए से ये अपने वक्त से सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली से घी निकाल के फिर जो है तो लोगों को लाइन में लगाने का काम करी। हमको ऐसी सरकार भी नहीं चाहिए, और उनका लाया हुआ जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें वही चाहिए, उसमें एक इंच क्या एक नुक्ता भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, हमें बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ही काफ़ी है, इनफ। देखिए हुकूमत को तो ये कानून वापस लेना ही होगा, हुकूमत आज नहीं तो कल उसको ज़रूर लेना होगा, क्योंकि ये सिर्फ अभी इंडिया तक महदूद नहीं है, पूरे इंटरनेशनली इस बात की जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है, बहुत सारे दूसरे ममालिक में भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और इंटरनेशनली सबको बात समझ में आ रही है कि मुल्क के दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी खतरे में है और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में फासिज्म आया है। इसके लिए इंटरनेशनल प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है और मोदी हुकूमत को इसके ऊपर पीछे जाना ही होगा। इस तरह से जो दिल्ली का शाहीन बाग है कहीं ना कहीं आप लोग जो यहाँ पर आज प्रोटेस्ट कर रही हैं तो वहाँ की जो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं ये सीख आप लोगों को उन्हीं से मिली, लेकिन आज जो वहाँ पर स्थिति है उन्हें गोलियों की तड़तड़ाहट से डराया जा रहा है, जो हिंदू संगठन है वो यहाँ वहाँ पर रास्ते खाली कराने के लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको, दिल्ली में चुनाव भी है तो क्या ये लग रहा है कि पूरी प्लानिंग चल रही है कि प्रोटेस्ट को जो है शाहीन बाग को बंद करा दिया जाए, वहाँ का प्रोटेस्ट जो है खत्म करा दिया जाए? जी वो लोगों की तो पूरी ये चुनाव का फंडा है, लेकिन इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, वहाँ से उठाएंगे हम लोग कहीं और जाके बैठेंगे। आप लोगों को लगता है कि आप दिल्ली का शाहीन बाग खत्म करा दोगे तो पब्लिक जो है अवाम अभी जाग चुकी है, तो आप लोग कुछ भी कर लो कोई पीछे नहीं हटेगा। दिल्ली के शाहीन बाग के साथ है, हाँ, तो हम लोग जो सारे शाहीन बाग दिल्ली के शाहीन बाग के साथ है, ये इलेक्शन का ही लफड़ा है कि किसी भी तरीके से ऐसा मामला क्रिएट किया जाए कि इलेक्शन को पीछे ढकेल दिया जाए या शाहीन बाग की जो लेडीज है उनकी हिम्मत को कमजोर कर दिया जाए, तो ये नामुमकिन। माहौल को जो है खराब करने की कोशिश की जा रही है।
रही है। गोली चले, लाइट जाए, पानी बंद, गोलियां चले, जिस तरह से जो गोलियां वहां पर चली है, जिस तरह से और भी वहां पर जो प्रोसेस हो रहा है, तो पुलिस का जो रवैया सामने आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? पुलिस का रवैया तो पहले से ही जो है, पुलिस जो है इस दिल्ली पुलिस कुछ भी जो है पूरी बीजेपी से मिली हुई है और बीजेपी की हुकूमत में काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल की अमित शाह जो है बाकायदा ट्वीट करके कहते हैं, कि जो है दिल्ली सरकार जो है इसमें फेल हो गई कानून व्यवस्था को, लेकिन कहीं ना कहीं जो गृह मंत्रालय के अधीन आती है दिल्ली पुलिस, तो कहीं ना कहीं अमित शाह जो है फेल होते नजर आ रहे हैं कानून व्यवस्था को। मोदी भाई फेल है, दोनों, ये छोटू भाई मोटू भाई दोनों फेल है, क्योंकि पुलिस अरविंद केजरीवाल के कंट्रोल में नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो जाहिर सी बात है, जिसका कंट्रोल में रहेंगी वो उसी का हुक्म मानेंगी ना। तो दिल्ली पुलिस इसका मतलब है कि मोदी और अमित शाह का हुक्म मान रही है, वो अरविंद केजरीवाल को तो फॉलो ही नहीं करती है। तो फेल तो मोदी और अमित शाह हो रहे, उनको अरविंद केजरीवाल पे इल्जाम लगाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। परिवार रहता तो उनको डराता है। दिल्ली में जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए हो रहा है, और आप लोग ये समझ ले कि अभी जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ये प्रोटेस्ट जो है सब सेक्युलर इंडियन का फासिस्ट गवर्नमेंट से है। ये क्लियर कर ले कि दिस इज द प्रोटेस्ट अमंग द गवर्नमेंट, फासिस्ट गवर्नमेंट एंड सेक्युलर इंडियंस। तो दिल्ली के शाहीन बाग को भी वो लोग कुछ नहीं कर सकते, और हम लोगों को भी कुछ नहीं कर सकते। हम लोग गोली से नहीं डरने वाले, हम लोग दिल्ली के शाहीन बाग की महिलाएं हैं। आप लोग उनको क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? हम उनको कहेंगे कि हम उनको सलाम करते हैं, दिल्ली की शाहीन बाग की बहनों को हम सलाम करते हैं, और जब तक वो वहाँ पर बैठे हैं, जिस वक्त तक सीए एनआरसी एनपीआर वापस नहीं होता, हम उनके साथ हैं, बल्कि हिंदुस्तान के जितने शाहीन बाग हैं हम सब उनके साथ हैं। तो सुना आपने, जिस तरह से यहाँ पर जो है महिलाएं जो है विरोध प्रदर्शन कर रही हैं इस कानून को लेकर, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो ये प्रोटेस्ट के जो ऑर्गेनाइजर किए हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से आज यहाँ पर बिजली काटी गई, तो कुछ आपको जानकारी दी गई थी कि जो यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं जो अब छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, और इतना अंधेरा यहाँ पर है, बिजली काट दी गई है, ऐसे में अगर कुछ होता है, आप लोगों के पास जो सिक्योरिटी के क्या बंदोबस्त यहाँ पर की गई है आप लोगों के तरफ से, कि जो महिलाओं को यहाँ सुरक्षित महसूस हो? ऐसा है कि पिछले हम 13 दिन से, आज का हमारा 13वां दिन है, और हम पूरा एकदम पूरा मन तरीके से यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। एक्चुअली ये महिलाओं का ही आंदोलन है, और हम जो है यहाँ पर पुरुष, इनकी जो है ना व्यवस्थाएं बनाए हैं, इनके हिफाजत का जो है पूरा ख्याल रखे हैं, और हमारे वॉलेंटियर्स, हमारे जो साथी हैं वो यहाँ पर 24 घंटे रहते हैं। आज ऐसा हुआ कि हमें बाजारपेट पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, और वहीं पर हम लगे हुए थे, तब हमारी गैर मौजूदगी में यहाँ से वो जो बगैर बताए जो है मीटर ले जाया गया है। टेक्निकल क्या रीज़न है ये हमें बिल्कुल पता नहीं, टेक्निकल रीज़न कुछ बताए नहीं, लेकिन हम जो है यहाँ के जो है असिस्टेंट इंजीनियर जो है अभियंता, उन सहायक अभियंता से जब हमने फ़ोन पे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो हमें जो है ना रिस्पॉन्स नहीं दिया, मतलब रिसीव नहीं किया हमारे कॉल को। और फिर जिन्होंने ये अप्रूवल किया था उस कनिष्ठ अभियंता के ऑफिस पर 3 चक्कर मारे, जहाँ पर CCTV भी लगा है, लेकिन वो भी हमें वहाँ दस्तयाब नहीं हुए। इसलिए किस वजह से लेकर के क्या है ये कहने से कासिर है, मगर कहीं ना कहीं हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक शासन की तरफ से हमें ये भी नहीं लिया गया। लेकिन हमारे जो है यहाँ के लोकल आमदार जो हैं, जो विधायक हैं, उन्होंने आकर हमारा समर्थन जताया, और इस जो हमारी संघर्ष जो चला है उस संघर्ष में वो हमारे साथ रहने का वादा किया है। हम यहाँ जो हमारा संघर्ष चल रहा है, हमारा जो आंदोलन है, यह आंदोलन पूरे होश और हवाश में रह के कर रहे हैं, और जो हमारे जो साथी हैं वो गेट से ही है। हमारे यहाँ पर CCTV कैमरे, इसके फोटोज जो हम बाजारपेट को दिए गए, और हम बाजारपेट पुलिस स्टेशन के जो हमारे जो साथी हैं, CID ब्रांच के लोग हैं, और जो गोपनीय डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे प्रोटेक्ट को 24 घंटे यहाँ पर वो हाजिरी दे रहे हैं। इसलिए हम बेफिक्र है कि ऐसी कोई अनहोनी घटना यहाँ नहीं होगी। दूसरी बात ऐसी है कि हमारी बहनें, हमारी माएँ और हमारे जो साथी है, ये अपने एतराफ़ पे नज़र रख रहे हैं कि कोई अननोन पर्सन अगर आता है या संगीत दिखता है तो उसकी सूचना हम पुलिस को दे देंगे, उसके साथ में जो है ना कोई ऐसी अनुचित हरकत नहीं होने देंगे। कुल मिलाकर ये अपनी हुकूमत की नाकामी को छुपाने के लिए हम सबको जो है
है जातीय इसके अंदर उलझा कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपके न्यूज़ चैनल से उस चीज़ का खंडन करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि आप जो है CAA, NRC और NPR को फौरन रद्द करें और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया था वो संविधान ही हमारे लिए काफ़ी है। जिस तरह से आपने सुना कि जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पर जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसका दोपहर के समय जो यहाँ पर बिजली काट दी गई, लेकिन इसके बावजूद जो है तमाम महिलाएं यहाँ पर अपने बच्चों के साथ जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। और बहरहाल जिस तरह से अब काफ़ी अंधेरा यहाँ पर है, तो सुरक्षा से लिहाज से अगर हम बात करें तो जिस तरह से जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने जो बताया है कि यहाँ पर जो वॉलंटियर मौजूद हैं और पुलिस का भी इन्हें सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, खासतौर पर जिस तरह से अगर कोई संदिग्ध दिखता है किसी वॉलंटियर को तो पुलिस को सूचना दे सके। और फिलहाल जो महिलाएं वो संविधान बचाने के लिए अपने अस्तित्व की लड़ाई यहां पर लड़ रही हैं। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, कल्याण। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।